गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने देखा है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके अलावा हमने देखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, और लास्ट हमने देखा था बॉन्ड एंगल क्या होता है। चारों के अंदर हमने कोरिलेटिव रिलेशंस देखे थे कि बॉन्ड लेंथ किससे इंक्रीज होता है, बॉन्ड एनर्जी किससे इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चारों पैरामीटर्स देखने के बाद भी हमको ये पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा। तो फुली फाइनल लाइन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबल कंपाउंड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जब स्टेबल एलिमेंट बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ तो क्या होनी चाहिए, कम। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके साथ में ही बॉन्ड एंगल का हमने जिक्र किया था, तो बॉन्ड एंगल वाली बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी, इसलिए छोड़ दी बीच में कि बॉन्ड एंगल तब समझ में आएगा जब अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके आगे अपनी पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में जो नया टॉपिक आता है वो हाइब्रिडाइजेशन आता है, काफ़ी डेप्थ में आप लोगों के, तो इसलिए मैंने उसको बीच में ड्रॉप आउट कर दिया कि इस बात को इतना कॉन्सेप्ट से याद रखूं कि बॉन्ड एंगल किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग से एक ही बात बोली है, या फिर आज के बाद में आप एक ही बात याद रखेंगे कि नेचर ये कहता है कि ईच कंपाउंड मस्ट बी न्यूट्रल। कि नेचर के अंदर अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, कोई भी फॉर्म, है ना, एनी फॉर्म ऑफ मैटर, कि मैटर की कोई भी फॉर्म जो स्टेबल रहना चाहती है, तो उसको अपना चार्ज कितना रखना होगा, जीरो रखना होगा, न्यूट्रल रखना होगा। तो हर एक कंपाउंड के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। जीरो चार्ज कब होता है, जब दो एटम्स के अंदर दो तरह के आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, है ना। एटम्स के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो तरह के आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों आयंस इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, तो जब ओवरऑल मिलकर के चार्ज जो होता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है। रियल में वैसे कोई कंपाउंड न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें इक्वल बैलेंस चार्ज हो, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो, तो उसको अपन बोल देते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक उसी से रिलेटेड एक अपनी टर्म आई है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो थी ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर किस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच इट डिफाइन द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जिन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या फिर जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि ये मॉलिक्यूल रियल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई बार ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहते हैं, तो उस चीज़ को नहीं बता पाए। कहने का मतलब है ये चार्ज बेस्ड जो थ्योरी थी ना, उसको नहीं समझा पाया था, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी थी। अब देखो, एक तो होती हैं सिंगल एटॉमिक और एक होती है मल्टी एटॉमिक। मल्टी एटॉमिक और सिंगल एटॉमिक का मतलब है, देखो मैंने ये लिखा है H प्लस, ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया जैसे N माइनस 3 एजाइड एन, इसके अलावा लिख दिया O माइनस 2 जैसे Cl माइनस। सारे जो आयंस हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, जैसे Na प्लस लिख दिया, ठीक है ना, जैसे Mg प्लस 2 लिख दिया, जितने भी हैं उनके अंदर Mg एक ही एटम है, सोडियम एक ही एटम है, हाइड्रोजन एक ही एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सारे सिंगल सिंगल एटम है, तब तो उसको बोलते हैं मोनो एटोमिक आयंस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है ना, मोनो एटोमिक आयंस। बट कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनकी जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, जैसे लिखा है CO3-2 कार्बोनेट आयन, जैसे SO4-2, जैसे PO4-3, है ना। तो ये जो आयंस हैं, जैसे I3- है, ये वो आयंस हैं
जिनके अंदर क्या है, एक से ज्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं मल्टी एटोमिक आयंस। मोर देन वन एटम कंटेनिंग आयंस आर कोल्ड मल्टी एटोमिक आयंस। इतनी बात समझ में आई, एक ही एटम पे चार्ज हो तब तो मोनो एटोमिक आयंस, और एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप हो जैसे SO4, CO3, PO4, I3, इनके ऊपर चार्ज हो तब उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी एटोमिक आयंस बोलते हैं। यहाँ तक का ठीक है। इसके अंदर आएगा इन दीज आयंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच एटम दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज, कि मल्टी एटोमिक होते हैं। अब देखो CO3-2 है तो ये -2 चार्ज में कार्बन पे एज्यूम करूँ कि ऑक्सीजन पे एज्यूम करूँ, इसी तरीके से सल्फर है उसके ऊपर एज्यूम करूँ, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो किस आयन पे एज्यूम करना है, किस एटम पे एज्यूम करना है। तो उसके लिए एक बात कही है कि जो मल्टी एटोमिक आयन्स होते हैं, जैसे इसके अंदर तो Mg+2 है तो दोनों के दोनों प्लस किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए है। जैसे Na के ऊपर प्लस है तो पूरा प्लस किस पे कंसंट्रेट है, सोडियम पे। जैसे N3- है तो तीनों माइनस किस पे कंसंट्रेट है, नाइट्रोजन पे। जैसे O-2 तो दोनों माइनस किस पे कंसंट्रेट है, ऑक्सीजन पे। इसी तरीके से Cl- तो दोनों माइनस किस पे कंसंट्रेट है, क्लोरीन पे। तो जो सिंगल एटॉमिक हैं उनके अंदर तो जितना चार्ज है वो उसी एटम पे कंसंट्रेट है, लेकिन मल्टी एटॉमिक हैं उसके अंदर चार्ज किस पे कंसंट्रेट रहेगा। तो इसके लिए एक थीम दी है कि इस पे जो चार्ज लिखा वो किसी भी एटम पे कंसंट्रेट नहीं रहता, वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयनिक फॉर्म है वो सब के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, रोटेशन होता है, बॉन्ड का भी रोटेशन होता है तो चार्ज का भी रोटेशन होता है। इसलिए ये सारा का सारा चार्ज जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, हर एक एटम पे बराबर का आता है, उसका पार्टनरशिप बराबर की आती है। पार्शियली हर पे एक बार के लिए निगेटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर पे डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सब पे प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं ओवरऑल कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज होता है पूरे का, ठीक है। अब अपन किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मल चार्ज इक्वल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम के लिए निकालना चाह रहे हैं ना अपन उसकी बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म के अंदर है, नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे लोन पेयर एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। जैसे लोन पेयर दो बचे हुए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फोर, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे आया प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब ये होता है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो साइन किसका काम मिलोगे, माइनस का। अगर चार्ज माइनस है तो साइन किसका काम मिलोगे, प्लस का। क्यों? क्योंकि अगर साइन माइनस का होता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और अगर साइन पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। याद रहेगी बात, चार्ज अगर एटम पे पॉजिटिव है तो साइन माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं पॉजिटिव चार्ज बनते टाइम। चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इसलिए साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। और भी सिंपल तरीके से लिखना चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो उसको, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ठीक है माइनस एलपी इलेक्ट्रॉन्स ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, और ब्रैकेट करके क्या कर दोगे प्लस माइनस चार्ज, और ये सारा एक ब्रैकेट में और कर दो एक बार। यहाँ तक का एरिया क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सारा जोड़ करके देन माइनस करना है इसमें से। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कैसे, जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है H2O, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। H2O है, मान लो कि मुझे चार्ज निकालना है ऑक्सीजन एटम पे, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, 1s2, 2s2,
2p4 चार दो छः दो आठ, आउटर मोस्ट सेल है दो नंबर, चार और दो छः इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, लोन पेयर कितने बच गए, टोटल इलेक्ट्रॉन थे छः, ठीक है, छः में से ऑक्सीजन की ये स्ट्रक्चर है, एक और एक दो तो बॉन्ड बना लिए, दो और दो चार बच गए, तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, चार प्लस एक बटा दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, तो दो में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार इंटू कितना, चार, प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये टर्म छोड़ दो, ये कितना आ गया टू, फोर और टू कितना हो गया सिक्स, बाहर निकलेगा सिक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना है, ज़ीरो चार्ज है। दूसरा एग्जांपल देखो, NH3 लेते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3, तीन और दो पाँच, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना ले लिया आपने, पाँच, माइनस, ब्रैकेट लगा दो, पाँच में से बॉन्ड कितने बना रहा है, तीन बना रहा है ना, तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, दो बच गए, प्लस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में छः इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 × 6, ये बात समझ में आई, डबल क्यों ले रही हूँ, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो बॉन्ड में चार, उसका आधा करेंगे, बात वो कि वही है, ठीक है, फिर प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, तीन, तीन और दो पाँच, पाँच माइनस पाँच जीरो, ठीक, ये तो आ गया न्यूट्रल के लिए। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आता है CH4, CH4 में कार्बन है, कार्बन आता है 1s2, 2s2, 2p2, कितने, चार, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है चार, माइनस, बॉन्ड कितने बना रहे हैं, चार, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, जीरो, प्लस एक बटा दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो फोर, फोर बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, एट, यानी आठ इलेक्ट्रॉन, चार माइनस चार बराबर जीरो। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, न्यूट्रल का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखो आप, जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया है NH4+, ठीक है, NH4+ लिखा है, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, पाँच, पाँच ही आते ना, ठीक है, माइनस, पाँच में से बॉन्ड कितने बना रहा है, चार, कितना बच गया, एक बच गया, ठीक है, प्लस एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो चार बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आठ। अब देखो चार्ज प्लस में है तो क्या लिखूं, माइनस, कितना, वन, ठीक है, चार, प्लस का एक माइनस का एक कट गया, कितने बचे अंदर, चार, किसके हैं, प्लस के, बाहर आते ही माइनस के, पाँच माइनस चार बराबर कितना हो गया, एक। दोबारा देखो इस बात को, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाँच, पाँच में से बॉन्ड कितने ने बनाया, चार ने, कितना बच गया, एक बच गया, प्लस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो तो चार में कितने, आठ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्लस है तो माइनस के साथ लिख दो, माइनस है तो प्लस के साथ लिख दो, आई बात समझ में। देन हमने क्या किया, प्लस एक माइनस एक कट गया, ठीक, NH2- लेते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में अगेन इलेक्ट्रॉन कितने, फाइव, फाइव में से बॉन्ड कितने बना लिए, टू, समझ पा रही हो बात को, टू बॉन्ड बना लिए, तो बच गए कितने, तीन इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, प्लस एक बटा दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो दो में चार, चार्ज अगर माइनस का है तो किसके साथ लिखूं, प्लस के साथ, कितना, वन, दो, दो और एक तीन, तीन और तीन छः, पाँच माइनस छः, माइनस का एक, आ रही बात समझ। अगला एक और देखिए, N-3 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाँच, पाँच में से बॉन्ड बनाया जीरो, कितने बच गए, पाँच बच गए, प्लस एक बटा दो, बॉन्डिंग वॉन्डिंग का कोई चक्कर नहीं है, नहीं है,
तो चार माइनस का है तो किसके साथ लिख दूँ, प्लस के साथ, 5 और 3 8, 5 - 8 बराबर -3। समझ आई बात? आगे देखें, ओ एच माइनस, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। आई रिपीट द स्टेटमेंट, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस। 6 में से कितना बॉन्ड बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, कितने बच गए, 5 बच गए, प्लस 1/2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। चार्ज किस में है, माइनस में, तो किसके साथ रख दोगे, प्लस के साथ रखोगे, 1। जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 6 - 7 बराबर माइनस का 1। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6, एक ही ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो कम में आ गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 6 में से कितने बच गए, 5 बच गए, प्लस 1/2। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। चार्ज अगर माइनस का है तो प्लस 1, और प्लस का होता तो माइनस में, कैलकुलेशन करी कितना आ गया, -1 आ गया। H3O+, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 में से कितने बॉन्ड बना लिए, 3, कितने बच गए, 3, प्लस 1/2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने, 3O- में हो गया, ठीक है। 6 - 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक बॉन्ड में 2, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6। चार्ज प्लस है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ये पूरा ब्रैकेट में, 3 3 और 3 6, 6 में से एक गया, 5, 6 - 5 बराबर कितना गया, प्लस 1। ऑक्सीजन में 6 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, 3 बच गए, प्लस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6, चार्ज प्लस का इसलिए -1 कर दिए, 3 में से 1 गया 2, 3 और 2 5, 6 - 5 बराबर प्लस का 1। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, CO3-2। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनकी स्ट्रक्चर देख करके फिर आइडिया हो पाएगा। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कार्बन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कोई बचा नहीं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने, और सॉरी -2 चार्ज है तो +2, 4 और 2 6, 4 - 6 बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो जैसे ऑक्सीजन वगैरह का केस होता है, इसके अलावा आप लोगों की एक फेमस है SO4-2, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-O-, ठीक। तो ऑक्सीजन के केस में कई बार ये होता है डबल बॉन्ड आता है, तब थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो आपको ध्यान रखनी है, आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी इसकी, और नहीं हो तो आपको CO3- और SO4-2 की स्ट्रक्चर ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है ना। SO4 और CO4-2, सल्फर देखो, सल्फर के सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में उतनी सल्फर के में होंगे, 6 माइनस, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में से 6 बॉन्ड बना लिए, बच गया 0, प्लस 1/2, बॉन्ड कितने, 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बॉन्ड में 12, चार्ज माइनस है तो +2 कर दो, कितने आ गए, 6, 6 और 2 8, 6 - 8 बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया इसमें। तो सल्फेट आयन जो होता है ना, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो सल्फेट आयन है ना, उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -2। तो आपको आयन्स के ऊपर ये चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, जितने भी एग्जांपल्स हैं, तो मेरी मैक्सिमम एग्जांपल सोल्व कराने की कोशिश करी आपको, तो आपको ये सब मतलब प्लस वाली एग्जांपल्स भी लिए, माइनस वाली भी लिए हैं, न्यूट्रल की एग्जांपल्स भी लिए,
तुम्हें तो अगर इस तरीके से 10-20 एग्जांपल और भी करवाऊंगी तो भी कोई बात नहीं है। तो इसमें इन न्यूमेरिकल्स को तो आप वीडियो को रीप्ले करते जाएं, बैक लिख करके, और एग्जांपल्स को नोट आउट करते जाएं, देखते जाएं, लिखते जाएं। इनको फेयरली लिखना है आपको, जितने भी एग्जांपल्स करवाएं उनको। इसके अलावा अगर आपको जो चैप्टर है अपना उसके लास्ट में क्वेश्चन है उसके अंदर कहीं अगर पूछ रखा हो फॉर्मल चार्ज क्या, तो उसको निकाल करके देखना आपको कि जैसे एग्जांपल सोल्व करे हुए ज़रूर मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, तो उसके अंदर आप देखें कि कितने मतलब किस तरीके से आपको करने, तो दो चार जो भी एग्जांपल्स मिलते हैं उसको सोल्व करें, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और एग्जांपल दे रखा ओजोन का, इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर। पहले फर्स्ट एटम की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, छः में से बॉन्ड कितने बना रहा है, एक दो। अब ये एरो वाला बॉन्ड है, आपको ध्यान है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एरो वाला बॉन्ड बनता है, तो इस एरो में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके गए, ऑक्सीजन के, दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तीन चार इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए, तो पीछे कितने बचे, दो बचे, माइनस एक बटा दो, तीन बॉन्ड है तो छः इलेक्ट्रॉन और फिर चार्ज निकला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया, एरो वाला निशान देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि दो। अभी इसको रूल्स में नहीं ले सकते क्योंकि सारे कंपाउंड्स में क्या नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होता है ना। बाकी जो दो हैं उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सेकंड एटम है छः इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, दो बॉन्ड बना लिए, पीछे चार बच गए, माइनस एक बटा दो। तो ये या तो ये जो अपने फॉर्मूला लिया इस हिसाब से ले लें, माइनस एक बटा दो सबको खोल करके रखें, या फिर सबको ब्रैकेट में ले करके वैसे निकाल लें, ठीक है, बात बराबर ही आएगी सब की, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।